और यहां पर जो मेरा गेम प्ले होगा उसके लिए आप हैशटैग लगा सकते हैं, हैशटैग मुर्गा भोजन हमें यहां पर मिलता है कि नहीं, वो भी आप वीडियो देखने के बाद जरूर बता देना। सो हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आज की इस टैगी पाठशाला मैं आपको दिखाने वाला हूं Realme C3 का हम पबजी टेस्ट करेंगे। और मैं मानता हूं मैं बहुत ही ज्यादा लेट हूं क्योंकि Realme C3 का पबजी का जो डिमांड है बहुत ज्यादा हो रहा था। गेमिंग प्रोसेसर इसके अंदर आया, G70 का MediaTek का प्रोसेसर आया, पूछ रहे थे कि भाई पबजी किस तरीके से चलता है ऑल वगैरह बताओ। सो लास्ट मैंने टोटल 60+ वीडियो अपलोड किए थे जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे Realme C3 का जो पबजी वाला वीडियो उसे लेने में बहुत टाइम हो गया, 4 से 5 घंटे का फुटेज बन गया था, उसे शॉर्ट कर हम लोगों ने पूरा अपनी टाइमलाइन एडजस्ट किया है। और यहाँ पर 60 FPS का ये वीडियो है और साथ में यहाँ पर FPS काउंटर के साथ आपको मैं दिखाऊंगा Realme C3 की पबजी की परफॉर्मेंस, जो 7000 के अंदर जो दूसरे फोन आते थे उसमें किस तरीके की परफॉर्मेंस थी वो आप लोग पहले जानते हो, लाइक वो उतनी अच्छी आपको देखने नहीं मिलती थी। ये जो वीडियो होने वाला है स्टॉक सेटिंग्स के साथ होने वाला है, मतलब यहाँ पर हम कोई भी GFX टूल वगैरह नहीं लगाएंगे, ओनली प्यार से सिंपल से एकदम बहुत ही प्यार से हम खेलेंगे नॉन GFX टूल के साथ। सो जिसके अंदर जो डिफॉल्ट सेटिंग्स आपको मिलती है वो हम आपको करके दिखाएंगे यहाँ पर आज के इस वीडियो में। सो Realme C3 मेरे हाथ में और सेटिंग्स आप देख सकते हैं स्मूथ और अल्ट्रा पर हम गेम प्ले करने वाले हैं। तो अल्ट्रा का मतलब होता है यहाँ पर आप 40 FPS की गेमिंग अचीव कर सकते हैं और बाकी जो सेटिंग्स है मैंने कलरफुल रखी है, एंटी अलाइजिंग भी मैंने डिसेबल कर रखी है और साथ में आप नीचे और भी 2-3 सेटिंग्स देख सकते हैं उसको मैंने डिसेबल करके रखा हुआ है। सो नाउ यहाँ पर हम एक रैंगल के मैच में है, 4 के अंदर आए थे, मतलब 4 लोग थे हम लोग जिसमें से एक बंदा डिसकनेक्ट हो गया गेम के अंदर ही, पता नहीं उस भाई साहब को खेलने का मन नहीं हुआ रहेगा। सो देखो यहाँ पर टॉप कॉर्नर पे आपको देखने मिलेगा FPS काउंटर। सो अल्ट्रा के हिसाब से जो FPS काउंटर आपको मिलनी चाहिए वो है 40 FPS, तो यहाँ पर हमें देखने मिलते हैं कुछ नियर बाय 39 FPS। और एक चीज बता दूं यहाँ पर 0 FPS आपको यहाँ शून्य जो दिखेगा ना उसको आप इतना सीरियसली मत लेना, वहाँ पे एकदम से फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहा है, वो जो FPS मीटर है उसका थोड़ा सा पंगा है, वो हमेशा कभी कभी 0 देने लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 FPS एकदम एग्जैक्ट नहीं रह पाता। सो यहाँ पर तो देखो मैं फिलहाल लूट कर रहा हूँ और आसपास में कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पर एक बंदा दिखता है और यहाँ पर मैं एमिंग करने लगता हूँ और यहाँ पर जो FPS काउंटर है वो नियर बाय 38 समथिंग के आसपास ही रहता है, 37 तक आ जाता है। और यहाँ पर Realme C3 के अंदर जो G70 का प्रोसेसर है आपको देखने मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर गेमिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से हो रही है। सो नियर बाय यहाँ पर अभी तक मैंने जो गेमिंग करी है वो 37, 35, 36 के आसपास देखने मिल रहा है और यहाँ पर कभी कभी 40 FPS आता है। सो यहाँ पर थोड़ा सा गेम करने के बाद HDR हाई के अंदर अभी मैं गेम प्ले कर रहा हूँ और जिसके अंदर अभी आपको जो FPS देखने मिलेगा वो आएगा आपको 30 FPS के आसपास। और एक बात बता दूं ये जो वीडियो है पूरा 60 FPS के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। सो यहाँ पर जो एक्चुअल में आपको जो वीडियो देखने मिल रहा है इस तरीके की परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगी रियल टाइम में, क्योंकि आपको जो Realme C3 के अंदर जो डिस्प्ले आता है वो 60Hz का आता है जिसकी वजह से आपको जो फोन के अंदर रिफ्रेश रेट मिलेगी या गेमिंग देखने मिलेगा 60 FPS का ही देखने मिलेगा। सो यहाँ पर कॉन्स्टेंट 30 FPS तक हमारा गेम प्ले कर रहा है, समटाइम 1-2 फ्रेम ऊपर नीचे हो जाता है और यहाँ पर कोई किल या ड्रॉप कुछ भी नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर मैं स्कोपिंग कर रहा हूँ और यहाँ पर भी कुछ FPS के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, एकदम कांस्टेंट 30 FPS का गेम प्ले कर रहा है। और जब यहाँ पर मेरे पास एक क्लोजर में एक बंदा आता है तो नियर बाय मतलब यहाँ पर भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हुए है। सो यहाँ पर साइड में एक बंदा और था और वो पता नहीं मुझे किल क्यों नहीं कर रहा था, अंदर बेचारा छुप के बैठा हुआ था। सो सडनली वो भी आता है और वहाँ पर वो भी चले जाता है। सो नाउ अभी हम यहाँ पर वापस सेटिंग के अंदर चेंजेस करेंगे और यहाँ पर आपको स्मूथ एंड अल्ट्रा में वापस गेम प्ले करेंगे जिसके अंदर हमें FPS 40 FPS का गेम प्ले देखने मिलेगा। और यहाँ पर भी इतना एक्चुअली अच्छे से गेम प्ले हो रहा है, सो मुझे एक दो बार कहीं पे पता नहीं एकदम से 40 FPS का ड्रॉप होता है। प्राइसिंग है Realme C3 की वो आपको देखने मिलती है कुछ 7000 रुपीज़ के अंदर आपको ये प्राइसिंग देखने मिलती है। 3GB वाला वेरियंट है मेरे पास और यहाँ पर जो प्राइसिंग के हिसाब से जो गेम प्ले था इसके अंदर वो काफ़ी अच्छा रहा और जायरो तो इसमें ठीक ठाक से वर्क नहीं कर रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 FPS की गेमिंग कर रहे हो और लाइक 7000 रुपीज़ में आपको और क्या चाहिए। सो मैं मेरे बंदे को यहाँ पर रिवाइव भी नहीं कर पाया और सडनली दो लोग आके एकदम से एकदम मुझे फुटस्टेप आ रहे थे, तो दो लोग आते हैं, दोनों लोग मुझे आके भर देते हैं। सो यहाँ पर अभी जो गेम प्ले हो रहा है वो हो रहा है HDR हाई के अंदर हो रहा है जिसके अंदर आपको 30 FPS का गेम प्ले देखने मिलेगा Realme C3 के अंदर। और गाइस यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि यहाँ पर आप लोगों को मेरे से या हमारे टेकी पाठशाला चैनल से आपको गेम प्ले चाहिए GFX टूल के साथ जिसके अंदर आप 60 FPS की Realme C3 के अंदर गेमिंग कर सकते हैं कि नहीं। सो प्लीज कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ये नहीं कर सकते तो यहाँ पर आप मुझे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लाइक के टारगेट को कंप्लीट कर देना। लाइक का टारगेट आपको देखने मिलता है ये वाला नंबर,
जो होता है 1334 लाइक्स का, तो इतने लाइक के टारगेट जरूर कंप्लीट कर देना, जिसके बारे में GFX टूल वाला जो वीडियो है विद FPS काउंटर के साथ जरूर से जल्दी लेकर आ जाऊंगा। तो यहाँ पर अभी मैं TDM के अंदर आ चुका हूँ, TDM के अंदर भी मुझे 30 FPS के अंदर आराम से गेम प्ले हो रही थी, मतलब लाइक जो 10,000 rupees के अंदर जो गेमिंग हो रही थी यहाँ पर, जो 7,000 rupees का प्राइस ब्रैकेट है Realme C3 का, और इसके अंदर जो गेमिंग है काफ़ी अच्छी हो रही है। मैं यहाँ पर इसे मतलब आपका बजट उतना हाई नहीं है और आपको 30-40 FPS के अंदर गेमिंग करनी है तो यहाँ पर आप इस Realme C3 की तरफ जा सकते हो। सो मैं अभी वापस गेम मोड को चेंज कर रहा हूँ, मतलब TDM पे आ चुका हूँ, तो इसके लिए मैं एक बार फिर से स्मूथ एंड अल्ट्रा पे गेम प्ले करेंगे। ये जो FPS एवरेज हमें दे रहा है 35, 36, 40 FPS के नियर बाई ही रहता है। सो यहाँ पर भी गेम प्ले काफ़ी अच्छी चल रही थी Realme C3 के अंदर, टच का भी कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आया, और यहाँ पर फ़ोन के ऊपर जो स्क्रीन गार्ड लगकर आता है उसके ऊपर ही मैं गेमिंग कर रहा था और वहाँ पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एकदम स्क्रीन एकदम स्मूथ चल रही थी Realme C3 की। वापस मैं सेटिंग चेंज करूंगा और बैलेंस एंड अल्ट्रा पर हम इस बार गेमिंग करेंगे, और बैलेंस एंड अल्ट्रा पर देखते हैं यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप होते हैं कि नहीं। सो वहां पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। सो Realme C3 के अंदर गेमिंग करते करते हो चुका था मुझे पूरा 1 hour, और 36 degrees का हमें यहाँ पर टेम्परेचर देखने मिला स्क्रीन की फ्रंट की तरफ, बैक की तरफ भी नियर बाय 36 देखने मिला, और आप देख सकते हैं स्क्रीन के बॉडी के ऊपर कितना स्वेट आ चुका है। सो ये तो पर्सन टू पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको पसीना आ रहा है कि नहीं, फोन उतना हीटिंग जैसा कुछ आया नहीं। सो यहाँ पर Realme C3 गेमिंग के लिए एक बार जो 7,000 rupees का प्राइस ब्रैकेट है उसके हिसाब से काफी अच्छा देखने मिला मुझे। अभी देखो यहाँ पर 1 hour की गेमिंग के बाद में होता क्या है कि सडनली जो फ्रेम ड्रॉप चल रहे थे, फ्रेम FPS चल रहे थे, वो 36 के आसपास चल रहे थे, पर होता क्या है कि बैलेंस एंड अल्ट्रा की सेटिंग के अंदर ये जो ड्रॉप हो चुका था और 1 hour की गेमिंग के ऊपर के बाद में लाइक वो FPS आपको 30-35 के आसपास दे रहे थे, और वही जो पहले आप गेमिंग कर रहे थे 1 hour के पहले वहां पर FPS मुझे 35+ देखने मिल रहे थे, और 1 hour की गेमिंग के बाद FPS 35+ डाउन हो चुके थे। सो ये चीज़ आपको देखने मिलती है, जैसे आप देख सकते हैं 30 FPS तक गेम प्ले चला गया, तो थोड़ा बहुत लैगी भी देखने मिला हल्का फुल्का। और गाइस फिर हमने TDM से चेंज करके वॉर मोड में चले गए, और वॉर मोड के अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेम ड्रॉप कितना होने लगा। सो आप बहुत ही देर तक गेम प्ले करोगे, लाइक अभी यहाँ पर हो चुके हैं 1 hour 30 minutes तक मैं गेम प्ले कर चुका हूँ Realme C3 के अंदर, और ये जो अल्ट्रा के अंदर हम सेटिंग FPS था लेकिन ये बीच में 27 FPS तक आ रहा था, और यहाँ पर अभी देखो कोई बंदे नहीं है इसके लिए जो FPS एकदम से ड्रॉप हो जाते हैं किसी को मैं किल करने गया। सो आप देख सकते हैं किस तरीके की आपको यहाँ पर FPS काउंटर देखने मिलता है, 30 के एकदम नीचे आ गया, मतलब यहाँ पर Realme C3 में आप थोड़ा सा लॉन्ग आवर्स तक खेलोगे सो वहाँ पर आपको FPS ड्रॉप देखने मिलेगा। लाइक यहाँ पर आपको 40 FPS की गेमिंग मिलनी चाहिए थी लेकिन अभी आप देख सकते हैं 21, 25, 26 इस तरीके की आपको FPS देखने मिल रहे हैं। इसका मतलब लाइक आप लॉन्ग आवर्स के लिए खेल रहे हो तो वहाँ पर आपके FPS ड्रॉप हो सकते हैं, और जिसके अंदर मुझे प्रॉब्लम नज़र आए जैसे कि बीच में एकदम से यहाँ पर अभी PUBG को खेलते खेलते मुझे ऑलमोस्ट 1 hour 40 minutes के आसपास हो चुके हैं, और सडनली बीच में FPS आप देख सकते थे कि 17 FPS के आसपास चले गए थे। सो होप गाइस यहाँ पर आपने पूरा वीडियो देखा समझा Realme C3 की परफॉर्मेंस किस तरीके से थी। सो देखो Realme C3 की जो प्राइसिंग है 7,000 rupees उसके हिसाब से जो इसके अंदर PUBG चल रहा है वो काफी एक नंबर लगा मुझे, मतलब लाइक अच्छा लगा। सो 40 FPS तक आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने मिल जाता है, सो जिसके हिसाब से मुझे यहाँ पर Realme C3 PUBG के लिए 7,000 rupees में आपको एक अच्छा डिवाइस देखने मिलता है। मैंने जो वेरिएंट यूज किया था वो 3GB वाला वेरिएंट था, उसके हिसाब से जो परफॉर्मेंस निकल कर आई वो काफी अच्छी थी। अगर आप लॉन्ग हार्स के लिए खेलोगे लाइक 2-3 घंटे के ऊपर चले जाओगे तो वहां पर आपको फ्रेम ड्रॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आएगा, बैटरी का उतना आपको इश्यू देखने नहीं मिलेगा क्योंकि 5000mAh की बैटरी है और साथ में 720p का डिस्प्ले है जिसकी वजह से बैटरी ड्रेन होना उतना ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से देखने मिला Realme C3 का PUBG टेस्ट। क्या आपको GFX टूल के साथ Realme C3 का FPS काउंटर के साथ वीडियो चाहिए तो वीडियो के लाइक का टारगेट को कंप्लीट कर देना, जिसकी वजह से मैं समझ जाऊंगा यहाँ पर आपको वीडियो भी चाहिए
और यहाँ पर आपको कोई और वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बहुत से लोग फ्री फायर के लिए भी बोल रहे थे, तो यहाँ पर आपको अभी भी फ्री फायर वाली वीडियो देखनी है तो प्लीज मुझे वो भी कमेंट करके बता देना, या फिर वीडियो के लाइक टारगेट को कंप्लीट कर दो तो मैं समझ जाऊंगा वो सब चीजें। सो होप दोस्तों यहाँ पर आपको रियल मी C3 पबजी का स्टॉक सेटिंग वाला वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और यहाँ पर जो मैंने मेहनत की है उसके हिसाब से वीडियो को लाइक को कर ही देना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, फ्यूचर में और भी वीडियोस आने वाले हैं। अभी तो 5 तारीख को मतलब मार्च 5 को बहुत सारे फोन आने वाले हैं, Realme 6, 6 Pro, M31 और भी पता नहीं दुनिया भर का बहुत सारे फोन आने वाले, तो उसके लिए भी बने रहना चैनल पर। सो दोस्तों आज की इस टेक की पाठशाला में मेरी तरफ से बस इतना ही।